वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं और जो सब्जेक्ट है वो भी खूबसूरत है और जो फ्रेम्स हैं और जो कलर्स हैं, ज़रा देखिए कि कितनी अच्छी तस्वीरें हैं और बड़ा उसको बड़े अलग अलग मूड में अपने शेर को देखेंगे। यहाँ पर एक जहाँ वो मुँह खोले हुए है, कहीं सो रहे हैं, कहीं बच्चों से खेल रहे हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं साथ में हैं, कहीं अकेले हैं। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, बहुत अच्छा। ये जो मैं अभी बता रहा था वो ख़ास बातें नहीं लगी आपको? हाँ, अच्छा, ध्यान से सुना नहीं आप? हाँ, तो यही ख़ास बात है कि तस्वीरें देखिए क्या होता है, तस्वीर में क्या हम देखते हैं, फ्रेम कैसी है, कॉम्पोजिशन कैसी है, लाइट कैसी आई है, जिसकी तस्वीर खींच रहा है वो कैसा दिख रहा है। तो जब ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो तस्वीरें अच्छी हैं। अरे क्या, नहीं वो फर्स्ट मुलाकात नहीं थी, मुलाकात बहुत होती रहती है हम लोग कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में, कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। लेकिन ये तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इनकी तो बात ही अलग है। जहाँ भी कुछ बोलते हैं तो इट इज़ ऑलवेज वर्दी ऑफ कमेंट, वर्दी ऑफ डिस्कशन। और बड़ा यानी इनकी शेरो शायरी छोड़िए, ऑन फिलोसॉफी ऑफ लाइफ ये जहाँ भी बोलते हैं। फिक्की में एक बार उन्होंने एक भाषण दिया, वो आज तक आई थिंक है, श्री श्री रविशंकर बहुत नाराज़ हो गए इनसे। भाई इन्होंने कहा, सही कहा, मैं रिपीट करूँगा कि भाई इंडिया का ट्रेडिशन ये रहा है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, कि राजा महाराजा महल छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। बुद्ध, महावीर जो राजा थे ना, अशोका, दे ऑल टुक टू। आज ट्रेडिशन है कि जो स्वामी हैं जंगल से वो महल में आ रहे हैं। ये तो उल्टा रास्ता है। तो रविशंकर जी डिड नॉट लाइक इट, बट फैक्ट तो है ही ना। इंडियन हिस्ट्री बुद्ध है। हमारे बाल ठाकरे हमेशा कहते थे हमको, वो अलग तरह के आदमी थे, ये बुद्ध का नहीं रखना घर में कभी भी। राजा था, भिखारी हो गए। अच्छा, बताइए उनका अलग लॉजिक। बहुत ज़रूरी, ये आपका सवाल ही बहुत अच्छा है और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है इस मामले में कुछ किया, एफर्ट कर रहा है, बहुत से लोग हैं जो इसमें बहुत सिंसियरली लगे हैं, लेकिन वो एफर्ट अभी भी कम है। अभी भी जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये नहीं है। पोचिंग आज भी है। अगर आप किसी भी साल की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने टाइगर पोच हो गए, कितने टाइगर मर गए। और एक और अच्छी बात है, सरिस्का जैसे एक है, अब वहाँ कोई नॉर्मल आदमी टाइगर मार ही नहीं सकता। एक ट्राइब है वहाँ बावरिया, बावरिया की ट्राइब्स है, कोई बावरिया आपके साथ नहीं होगा तो आपको टाइगर ट्रैप नहीं होगा। तो 200 फैमिलीज हैं खाली वहाँ। तो मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, 200 फैमिलीज को रोजी रोटी का कोई रिश्ता ढूंढ दो, ये धंधा बंद कर रहे हैं लोग। तो सरिस्का फाउंडेशन हमने शुरू किया कि भाई ये बेचारे ट्राइबल हैं, वो ही काम जानते हैं सिर्फ। तो इंडिया बहुत यूनिक जगह है, इतना आसान नहीं है। वो बंदूक तो मार दे नहीं सकता वहाँ जाके, वो ट्रैप करते हैं टाइगर को, वही लोकल लोग कर सकते हैं। सर, जैसे कि फिल्म सिटी की बात करें तो फिल्म सिटी में भी हम देखते हैं कि एनिमल्स को काफ़ी परेशानी होती है, वो बाहर आ जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वो है क्या, ये सिर्फ फिल्म सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में बहुत जगह हो रहा है कि शहर फैलते जा रहे हैं। और आप यहाँ भी देखेंगे, हमारे देश में भी, तो जो इलाके थे टाइगर्स के, जो बड़े बड़े जिन्हें कहते हैं टाइगर पार्क्स थे, वो श्रिंक कर रहे हैं। तो उनका इलाका कम होता जा रहा है। आप जो आप ये देखते हैं संजय गांधी नगर और यहाँ वहाँ, ये शेर कोई घूमते हुए मरीन ड्राइव पे थोड़ी आते हैं, हमारी बस्तियाँ उधर जा रही हैं। बिल्कुल। तो हमको भी ये सोचना होगा कि भाई कितनी जगह टाइगर के लिए छोड़नी है और हमें वाइल्ड लाइफ के लिए छोड़नी है। और सर उसमें प्रे बेस होना चाहिए। अगर टाइगर के लिए इनफ चीतल नहीं है वहाँ पे, इनफ सांभर नहीं है, तो खाने के लिए बाहर घूमेगा कहीं ना कहीं। प्रे बेस, कि नेशनल पार्क एक एक स्पेशलाइज चीज़ है, यू टू मेंटेन। उतनी जगह होनी चाहिए, उतना प्रे बेस होना चाहिए। जहाँ अच्छा है, जैसे रणथंभौर है, बांधवगढ़ है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं।